न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर जिले में कोरोना के मामलों में आया उछाल, एक साल के मासूम समेत 24 मिले कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 104, अब तक 7 की हो चुकी है मौत, 25 हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केस हुए 72। मंडलायुक्त ने बताया मंडल में है 192 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जबकि 83 ठीक होकर जा चुके हैं घर। मंडलायुक्त ने लोगों से की अपील, कहा घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक बनाए जा रहे फोर लेन के लिए तोड़ा गया भगवान झूले लाल का मंदिर। मंदिर समिति के संरक्षक ने कहा विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है सिंधी समाज। जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान कुछ शर्तों के साथ सैलून, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य दुकानों को रोस्टरवार खोलने की दी इजाजत, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक, कोविड-19 के रोकथाम के दिए निर्देश, कहा बाहरी व्यक्तियों का कराया जाए जांच, इलाज में न बरते लापरवाही। सोमवार से पूरे देश में 100 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया गया शुरू। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भी 5 जोड़ी ट्रेनें यात्रियों को लेकर हुई रवाना। यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा के साथ रखा गया कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान। सीपीआरओ ने दी यात्रियों को सुखद यात्रा की बधाई। रेलवे सुरक्षा बल के DIG अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अनलॉक 1 के पहले दिन चलाई जा रही ट्रेन का किया औचक निरीक्षण, कहा हम लोग ने पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी हैं, आगे भी देते रहेंगे अपनी सेवाएं। 1 जून से चलाए जाने वाले स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की व्यवस्थाओं का SP रेलवे ने किया निरीक्षण, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया है पूरा ध्यान। ज्वाइंट रजिस्टर्ड उपजिलाधिकारी ने सदर तहसील के 4 गांवों में कोरोना के एक एक पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से 400 मीटर परिधि को कंटेनमेंट जोन तथा 700 मीटर परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए पूरी तरह से किया सील। सवेरा हार्ट एवं आई सेंटर हॉस्पिटल के आसपास लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त। गीड़ा थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक युवक और महिला को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 10 किलो 250 ग्राम गांजा किया बरामद। गांजा कारोबारियों में मचा हड़कंप, CEO कैंपियरगंज दिनेश सिंह ने किया खुलासा। लॉकडाउन के बाद रेलवे द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनों की स्थिति व सुरक्षा का सदर सांसद रवि किशन ने लिया जायजा। PM CM सहित रेल मंत्री को दिया धन्यवाद, यात्रियों के सुखद यात्रा की कामना। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन में 70 दिनों में मिला 30 लाख लोगों को भोजन का पैकेट, 17,000 लोगों को दिया गया राशन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS अनुभव सिंह ने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन बंद होने के बाद अब समाप्त की गई कम्युनिटी किचन की व्यवस्था। अनलॉक 1 शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से रोडवेज बसों का संचालन हुआ शुरू। यात्रियों को बस सुविधा मिलने पर उनके चेहरों पर दिखी खुशी। शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में वांछित 10,000 के इनामी अभियुक्तों को शाहपुर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा, पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। SPCT डॉक्टर कौस्तुभ ने अपने सर्किल के थाना प्रभारियों को 24 घंटे के अंदर 25 विवेचना निस्तारण के लिए चलाया अभियान। तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह ने 24 घंटे के अंदर पूरा किया अपना लक्ष्य। SPCT ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। जिला प्रशासन के द्वारा दुकानों के लिए बनाया गया रोस्टर 30 जून तक रहेगा जारी। ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। महानगर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन करने के बाद SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग। लगभग 200 वाहनों के काटे गए चालान, हजारों लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति किया गया जागरूक। जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए डोर टू डोर सब्जियों, किराना सामानों और पशु चारा की होम डिलीवरी की व्यवस्था 7 जून तक रहेगा प्रभावी। सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर बिल का किया विरोध। प्रदर्शन कर आंदोलन की दी चेतावनी। और गोरखपुर में सोमवार की सुबह अचानक मौसम ने बदला करवट, तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम हुई बारिश। कुछ देर बाद ही पूरे दिन स्थिति रही सामान्य।